उन्होंने कैसे किया, कुछ कहानियां। हम आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिनको असफल घोषित कर दिया गया था, परंतु वो जीवन में बहुत सफल हुए। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जिस प्रकाश बल्ब को आप आज प्रयोग करते हैं, उस बल्ब का आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को 2000 प्रयोग करने पड़े थे। अंत में जाकर वो विद्युतीय बल्ब बनाने में सफल हुए। एक दिन एक युवा पत्रकार ने एडिसन को पूछा, इतनी बार सफल होने के बाद आपको कैसा लगा था? एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी भी असफल नहीं हुआ था। मैंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, प्रक्रिया के बस 2000 चरण थे। वो पत्रकार एडिसन का मुंह देखता रह गया। एक और व्यक्तित्व के बारे में आपको बताते हैं। विल्मा रुडोल्फ अपने माता पिता के 22 बच्चों में से 20वीं थी। उनका जन्म समय से पहले ही हो गया था। डॉक्टरों को शंका थी कि वो बचेंगी या नहीं। विल्मा जब 4 बरस की थी उनको निमोनिया और पीलिया हो गया था। उसके परिणाम स्वरूप उनकी बाईं टांग में पक्षाघात हो गया। 9 वर्ष की उम्र तक उनको स्टील की ब्रेस बांधकर चलना पड़ता था। जब वो 9 वर्ष की हुई वो बिना ब्रेस के चलने लगी। उन्होंने 4 वर्ष तक चलने का अभ्यास किया। 13 वर्ष की उम्र में वो ठीक ढंग से चलने लगी। उनका उपचार करने वाले डॉक्टर ने कहा कि ये तो एक चमत्कार था। 13 वर्ष की उम्र में ही विल्मा रुडोल्फ ने धावक बनने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दौड़ में भाग भी लिया, परंतु वो सबसे अंतिम आई। आने वाले कुछ वर्षों तक वो प्रत्येक दौड़ में भाग लेती रही, परंतु वो हर दौड़ में अंतिम ही आती रही। उनके परिवार को, लोगों और मित्रों ने विल्मा को दौड़ना छोड़ देने की सलाह दी, परंतु उन्होंने दौड़ना नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने एक दौड़ जीत ही ली। उसके बाद उन्होंने एक और दौड़ जीत ली। उनका उत्साह बढ़ता चला गया और उसके बाद वो हर दौड़ जीतती चली गई। अंत में वो छोटी लड़की विल्मा रुडोल्फ, जिसको ये कहा गया था कि वो कभी चल भी नहीं सकेगी, अमेरिका के लिए ओलंपिक्स में 3 स्वर्ण पदक जीतने में सफल होगी। कुछ और व्यक्तित्वों के बारे में आपको बताएंगे। 1962 में 4 लड़कों ने मिलकर अपना एक संगीत बैंड बनाया। उसी वर्ष उन्होंने पहली बार डेक्का रिकॉर्ड कंपनी में जाकर अपनी पहली परीक्षा दी। उनके संगीत को सुनकर कंपनी के अधिकारी प्रभावित नहीं हुए, उनको उस कंपनी ने अस्वीकार कर दिया। उस कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, हमको उनका संगीत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इनको हम स्वीकार नहीं कर सकते। उन 4 लड़कों ने दिन रात अभ्यास करना शुरू कर दिया और छोटी छोटी जगहों पर अपने संगीत को प्रस्तुत करने लगे। कुछ ही वर्षों बाद लोग 4 लड़कों के उस बैंड को द बीटल्स के नाम से जानने लगे। एक महान अभिनेत्री के बारे में आपको बताते हैं। एमिलाइन सेनिवेली ब्लू बुक मॉडलिंग एजेंसी की निर्देशक थी। 1944 में उनके पास नॉर्मा जीन बेकर नाम की एक जवान लड़की मॉडल बनने के लिए आई। एमिलाइन ने उस लड़की को कहा, तुम मॉडल नहीं बन सकती, या तो तुम ऑफिस में काम सीखना शुरू कर दो या शादी करके किसी की पत्नी बन जाओ। नॉर्मा जीन बेकर ने हार नहीं मानी और अपनी धुन में आगे बढ़ती गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नॉर्मा जीन बेकर बाद में मैरिलिन मनरो के नाम से प्रसिद्ध हुई और पूरे विश्व की सबसे खूबसूरत और सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। विश्व प्रसिद्ध एक महान गायक के बारे में आपको बताते हैं। जिमी
डैनी ग्रैंड ऑल ओपरी कंपनी के मैनेजर थे। 1954 में एक नया गायक उनके यहाँ गाने के लिए आया। उस गायक को एक गीत गाने का मौका दिया गया, परंतु एक गीत के बाद ही उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जिमी ने उस नए गायक से कहा, तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकोगे बेटा, जाओ और ट्रक चलाना शुरू कर दो। उस नए गायक ने हार नहीं मानी और गाता ही रहा और दिन रात अभ्यास करता रहा। वो गायक कुछ वर्षों में दुनिया का सबसे लोकप्रिय गायक एल्विस प्रेस्ली बना। टेलीफोन के आविष्कार की कथा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। जब अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया, उसको समर्थक देने और उसके आविष्कार को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ग्रैहम बेल ने अपनी खोज का प्रदर्शन करने के लिए एक फोन कॉल अमेरिका के राष्ट्रपति रदरफोर्ड को भी लगाई। फोन पर बात करके राष्ट्रपति ने कहा, आश्चर्यजनक आविष्कार है, परंतु इसको कौन प्रयोग करेगा? यह स्पष्ट था कि राष्ट्रपति रदरफोर्ड को भी यकीन नहीं था कि लोग उस आविष्कार फोन को प्रयोग करेंगे। आज आप जानते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में फोन का प्रयोग होता है। जेरोक्स कॉपी या फोटोकॉपी की मशीन के बारे में भी बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है। 1940 में चेस्टर कार्लसन ने एक नई मशीन का आविष्कार किया। उन्होंने वो मशीन 20 कंपनियों को दिखाई। उनमें से कुछ कंपनियां अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां थी। सभी ने उस मशीन को अस्वीकार कर दिया। चेस्टर कार्लसन 7 वर्षों तक अपनी नई खोज को लेकर दर दर भटकते रहे, परंतु किसी ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। अंत में हारकर चेस्टर कार्लसन ने रोचेस्टर न्यूयॉर्क में एक छोटी सी कंपनी खोल दी। उसका नाम हेलॉइड कंपनी था। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पेपर कॉपी मशीन के अधिकार खरीद लिए। बाद में उनकी कंपनी जेरोक्स कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाने लगी। आज की फोटोकॉपी और छपाई की सभी तकनीकों का श्रेय चेस्टर कार्लसन को जाता है। मित्रों, इन छोटी छोटी सफलता की कहानियों से आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का विकास आसानी से और शांतिपूर्वक नहीं होता। बहुत सारी परीक्षाओं और अनुभव से गुजरना पड़ता है। विजेता वो नहीं होता जो कभी असफल नहीं होता। विजेता वो होता है जो कभी भी हार नहीं मानता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कष्ट ना हो तो हमारी इन कथाओं को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।